आछड़ा छबड़िया नहीं क्यों, मैं एक दिन नहीं आया इसलिए, देखो मैं कल भी आ जाता, बट पॉइंट है कि मेरे पास कोई टॉपिक था नहीं। अब टॉपिक होता नहीं तो फिर मैं पता है बकवास कर रहा होता, और फिर बोलते साले तेरा डेली टॉपिक क्या होता है। हाँ तो आज भी नहीं है, फिर मैं आ गया, अब बोलो कमेंट में, फिर मैं बोलूँगा तुम CLWL हो, साले टॉपिक ना हो और ना आओ तो दिक्कत, टॉपिक ना हो आ जाओ तो दिक्कत। अरे करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। वाह मोदी जी वाह, वो नहीं बोल सकते पॉलिटिकल हो जाएगा। बाकी क्या चल रहा है इंटरनेट पे, मैं सोचा था एक दिन नहीं आऊंगा ड्रामा शुरू हो जाएगा, ड्रामा ही नहीं हो रहा। ड्रामे के नाम पे मिला गया मुझे फ्लाइंग बीस्ट, अरे फ्लाइंग बीस्ट कर रहा है ना देश का धोनी। दिल से आता है जब भी मैं सुनता हूँ हैशटैग देश का धोनी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हाँ तो वो साइकिल पे चल दिए, ना सोचा ना समझा ना बूझा, बस चल दिए। और अभी लोग इस पे नाराज है, ये अटेंशन के लिए कर रहे हैं, ये अटेंशन अटेंशन सीकर। मैं कहा जो भी कर रहा है उसकी जिंदगी है, तुम क्यों देख रहे हो। एक तो बैठ गया साला, मेरे को बोला था साइकिल पे जाएगा, मेरे को लगता है तुम्हें भी बोला था साइकिल पे जाएगा। मैं वीडियो देख रहा हूँ ट्रक में बैठा हुआ है चार चार बॉडीगार्ड, मैं कहा इसकी बॉडी को भी गार्ड करना पड़ेगा। यूट्यूबर है यार, और उम्मीद क्या रखते हो तुम है? फ्री फंड में करेंगे हम जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होती है कंटेंट के लिए। अबे मैं तो बोल रहा हूँ मैं बाहर जाता हूँ, मैं व्लॉग नहीं करता, वरना तो मैं टॉफी लेने जाऊँ उसको भी व्लॉग कर दूंगा, मेरा हर एक मिनट कॉन्टेंट है वे। तो धोनी से क्यों मिल्क ना करे? और अगर तुम्हें लगता ना ये IPL का ऑडियंस मिल्क करने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने किसी महीने में नहीं, इसी महीने में क्यों होना ये भाई सब ऑब्वियस चीज है, तो बोलने की जरूरत नहीं होती है। सब वो कर रहे, देखना है देखो सपोर्ट करो, नहीं देखना इग्नोर करो मेरी तरफ, आगे बढ़ो। हाँ नाचो मचाएंगे पे, अरे कुछ नहीं वो वरुण धवन की कोई क्लिप थी, मचाएंगे पे नाचते हुए, तो वो कहीं से आ गई बंटाई के हाथ में, तो बंटाई ने अपलोड कर दिया और फिर एक्साइटेड कर दिया सबको, गर्म कर दिया सबको। अरे कुछ नहीं उसने बोल दिया, मैं मचाएंगे के लिए कौन एक्साइटेड है। मैं कहा चार तो निकाल चुका और कितने निकालेगा साले, सीजन बना दिया उसने गानों को, हर साल मचाएंगे। अरे रुक जा यार, हमें भी मचाने दे, हम भी मचाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है साला। एक तो मेरा कल मेरा सुबह उठते के साथ ही मूड खराब हो गया, क्योंकि मैं एक्साइटेड था CSK के मैच के लिए, मुझे मालूम था कल मैच है, बट मैं मिस कर गया कि ये दोपहर का मैच है। मैं दोपहर में सुबह जा रह गया साला, जब उठा तब तक मैच खत्म होने वाला था, मतलब इनिंग खत्म हो गई थी CSK की। मैं कहा तीन बॉल देखनी थी उसके लिए एक्साइटेड था साले, तुमने वही मिस करवा दिया मुझे। सालो चेन्नई का मैच हमेशा रात में होना चाहिए, दिन में नहीं, मुंबई का रखो ना दिन में, नहीं रात में रखेंगे वो सालो, कुत्ते की तरह धो रहे हैं टिम डेविड सबको। और जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं बैठ के, हवन। अबे सही कह रहा हूं यार, मतलब कार्तिक आर्यन ने एक फोटो डाली, मैंने देख ली ट्विटर पे, ठीक है उसने शादी मुबारक कहा था, अब मुझे नहीं मालूम बंदा कौन है। फिर मेरे को आर्टिकल मिला कि कार्तिक आर्यन पहुंचा अपने बॉडीगार्ड की शादी में, अच्छा बॉडीगार्ड था। फिर मैं पहुंचा दूसरे आर्टिकल पे, वो कहता है कार्तिक आर्यन पहुंचा स्पॉट बॉय की शादी में। मैं कहा तुम दोनों कंपनियां साथ बैठ के डिस्कस क्यों नहीं कर लेती हो, स्पॉट बॉय की बॉडीगार्ड है साला, दोनों अलग प्रोफेशन, एक गार्ड करने का है एक चाय बनाने का, स्पॉट बॉय करता क्या, सब कुछ, सफाई भी शॉपिंग भी, 1 किलो शोधी नमक देना, कुछ भी। बाकी हनी सिंह ने रिएक्ट किया है किस पे, अरे अभी कुछ दिन पहले ना उसका कोई शो था, तो बंदा आया, आई हैव बीन बीटन, मुझे मारा गया है। किसके द्वारा? हनी सिंह द्वारा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि नहीं बताया था कि हनी सिंह और उसके मैनेजर ने जो ऑर्गेनाइजर था उसको रूम में बंद करके बहुत धोया, उसके साथ मचा दिया। अब उसके बाद हनी सिंह जवाब, सब झूठ है, सब मुंह में आया है, मैं तो इस कंपनी के साथ गया था, ये बुक माय शो से रिलेटेड है, मैं काम कर गया। मैं कब वो मसाला बताना, मैंने कुछ ही नहीं, ये जवाब होता है बोलना, मैंने पीटा है, दिल्ली से हम लोग यार प्राउडली बोल पीटा है या पिटे, इज्जत से बोलो। वहां पे रफ्तार पता नहीं कहां था, कोई बंदा पहुंचा उससे मजे ले गया, क्लिप है देखो। Ask random questions to रफ्तार। पहला सवाल,
आप घर में कांच तोड़ते हो गए तो मम्मी आपको उसी दिन तो डांटती नहीं होंगी, दूसरे दिन डांटती होंगी। पूछो क्यों? मैं आज करता हूँ वो कल दिखता है। कंट्रोल उदय, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज इतनी हेवी लग रही है मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। अरे कुछ नहीं यार, कोई है ही नहीं बात करने के लिए, अकेला बैठा रहता हूँ। ऐसा लग रहा है नींद में बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा है। अभी जाके बर्तन धोऊंगा, पानी की बोतल भरूंगा, खाना बनाऊंगा, फिर खाली बैठ जाऊंगा, मूवी देखने लग जाऊंगा। अरे कुछ है ही नहीं यार, बोरिंग होगी जिंदगी यार, क्या करूँ मैं। कोई तो बातें करो। नहीं नहीं इतनी भी बात मत करो भाई, होते ना डेली मतलब घर वालों से बात करने के लिए हो जाए तो फिर ठीक है, अब अकेले बैठे बैठे तो बोर ही हो जाऊंगा मैं। हाँ तो और क्या है, हाँ पलक तिवारी को पकड़ाए रंगे हाथों मचाते हुए। अरे सैफ अली खान के बेटे के साथ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई कह रहा था कि ये दोनों ना उसी क्लब में थे जिसमें मैं था, और ये जो कर रहे थे भाई साहब वो बस कूल भी नहीं था, इनको रूम ले लेना चाहिए। मैं कहा मैं ओयो बुक कर दूं, बस मुझे दूसरे ओयो में श्वेता तिवारी चाहिए। कौन बोला? आत्मा भाई, मैं ही नहीं बोला, सही बोल रहा हूँ, मेरी आत्मा आ गई थी, जेन्युइनली बोला मेरी आत्मा आ गई थी, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, आत्मा भाई। बेटी मचारी धमाकी, क्या कोई बोल रहा है यार, कौन बोल रहा है? चल झूठा ही बात है यार, अभी ब्रिजभूषण क्यों मचाए? अरे ब्रिजभूषण वो डब्ल्यू रेसलर फेडरेशन का है, हेड है, तो उस पे इल्जाम था कि उसने औरतों के साथ मतलब जो फीमेल रेसलर उनके साथ बदतमीजी करी है। तो भाई का बयान है, पहले ये कह रहे थे कि मैंने 100 लड़कियों के साथ किया है मचाए, अब कह रहे 1000 लड़कियों के साथ मचाया। अबे मैं रात में क्या शीला जीत खा के सोता हूँ? ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई साहब, मैं बोलूंगा ना ऐसी बातें श्वेता तिवारी को लेके लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ये मीडिया में बोल के आया है भाई। सही है, जो भी है सही है। वहां पे थाईलैंड में अलग ही चल रहा है, थाईलैंड में इलेक्शन चल रहे हैं, तो अभी रिजल्ट आने में 2 वीक बाकी है, तो उनकी जो पहली पीएम थी, जो पहले अभी एग्जिस्टिंग थी, वो कही चलो बच्चा पैदा कराते हैं। अब 2 वीक पहले पोल से बच्चा पैदा दिया है उसने, मैं कहा ये वोट मांगने का कौन सा तरीका है, मचाएंगे। बाकी आज तो आईपीएल भी बोरिंग चल रहा है, भेड़ क्या 15 ओवर हो गए हैं, 100 रन नहीं बने इनसे। मैं कहा ओडीआई देख रहा हूँ या T20, बता दो ना मुझे। हाँ बाकी कोई एक्स्ट्रा फालतू न्यूज नहीं है मेरे पास आज, तो लाइक कर देना अगर एंजॉय किया हो, वरना सेकंड चैनल देख लो, खाना बनाना सिखा रहा हूँ मैं, एक दिन कॉकरेज के साथ एक दिन सोयाबीन के साथ। आज क्या बनाएंगे? आज नहीं बनाने वाले, मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला, मतलब कल इस चैनल पर नहीं आई, अब कल उस चैनल भी नहीं आएगी। ठीक है, लाइक कर देना, शायरी बोलूं कल बोलता हूँ, प्लीज।